तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज माय न्यू ब्लॉग। तो अभी अभी ब्रेकफास्ट करके हुए अपने रूम में आए हुए हैं और इधर पे ये कपिल लेटा हुआ है, यहीं पे अभी रिया और यशी दोनों खेल रही थी, वो भी बाहर गई हुई हैं। और कई आज हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं अपने एक नई फैमिली मेम्बर से, जिसको देखने के लिए आपको वेट करना होगा। और आप तो देखते रहिए आगे वीडियो में, मैं आपको आप लोगों को एक नए फैमिली मेम्बर से मिलवाऊँगा। तो गाइज़ हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं अपने नई फैमिली मेम्बर से, जो कि बाहर है अभी अभी, वो अंदर आएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो नया फैमिली मेम्बर्स कौन है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और तो गाइज़ अभी वो धूप में बैठा हुआ है क्योंकि उसको अभी सर्दी लग चुकी थी, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखता हूँ सुबह शुभ। तो गाइज यही है मेरा वो न्यू फैमिली मेम्बर्स जो कि आपको एक केस में दिख रहा है, इंडियन रिंगनेक बेबी पैरेट है। इसको मैं अभी 3 से 4 दिन पहले ख़रीदा हुआ हूँ और इसको थोड़ा सा सर्दी लग गई थी, इसलिए इसको मैं धूप में रखा हुआ था। और अभी इसको गाइज बाहर निकालते हैं। तो अभी गाइज हम इसको बाहर निकालते हैं, आ जाओ। अभी सुबह का खाना ये खा चुका है और मैं दोपहर में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कौन सा खाना खाता है। ओके, ये जो है ये इंडियन रिंगनेक पैरेट इसको बोलते हैं अपने यहाँ इंड भारत में, और इसको मैं अभी लखनऊ से ख़रीदा हुआ हूँ। ये बाहर निकलने के लिए बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। और देखिए बाहर निकल आया है, गिर ये सही से चल नहीं पाता है, बाकी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर जाके बताइएगा कि ये कैसा पैरेट है। और इसका भी हमने नाम नहीं रखा हुआ है, और आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हैं हमें कि इसका नाम मैं क्या रखूँ। ये देखिए खाइए, इसको लग रहा है कि मैं खाना इसको खिलाने में, इसलिए मेरे पास आ रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए मेरे पास ही आता जा रहा है मिठू, और ये मेरी सीटी शायद पहचान गया, इसलिए बोलने लगता है जब मैं सीटी बजाता हूँ। ये देखिए गाइस, तो गाइज अभी हमने इसका नाम मिट्ठू नहीं रखा हुआ है क्योंकि और बोलते हैं घर पे सब लोग मिट्ठू मिट्ठू। बाकी इसका नाम कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि मैं क्या रखूँ इसका नाम। तो आप लोगों का कमेंट का इंतजार कर रहेगा कि मैं इसका नाम क्या रखूँ, नया नाम क्या रखूँ। ये मेरी सीटी को पहचान चुका है, अभी तक 3 से 4 दिन लाए हुए हैं, लेकिन ये मेरी सीटी को जान गया है कि कैसे मैं इसको खाना देने चलता हूँ। तब इस किया कि सीटी अब मरता हूँ ना, तो ये जान गया है कि सीटी मरने से इसको खाना मिलेगा, इसलिए बोलने लगता है। तो इसी तरह ये धीरे धीरे सीख जाएगा, और इसकी वीडियो मैं आप लोगों को डालता रहूँगा आगे। तो गाइज आप लोगों को इसका ये केज रखा हुआ दिख रहा होगा, इसके थोड़ा सा पेपर के टुकड़े जो होते हैं उसको काट के डाला हुआ, जिससे कि इसको मतलब नीचे से थोड़ा सा सर्दी कम लगे। और देखिए गाइज अभी ये खाना मांग रहा है ना, अभी हम इसको खाना सुबह खिला चुके हैं, इसलिए मैं अभी इसको खाना नहीं देने वाला, और दोपहर का खाना मैं जब इसको दूंगा तो आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा। तो गाइज अभी हम इसको केज के अंदर रखने वाले हैं, अभी ये बहुत छोटा है, इसकी बहुत केयर करनी पड़ रही है। अभी ये फिर से मेरे पास आ रहा है, तो इसको हम लोग अभी केज में रखें। चलो जाओ चलो जाओ। तो ये केस के अंदर जा चुका है, अभी तो गाइज अभी टाइम हुआ है 12:13, और हम अभी नहा के आए हुए हैं, और अभी पता चला है कि मिट्टू को खाना भी देना है, क्योंकि हम लोग जब उधर से निकल रहे थे तो आवाज कर रहा था ना, तो इसीलिए इसको पता चल गया कि भूख लग रही है, तो हम उसको खाना भी देने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कैसे खाना खाते हैं वो। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए ये यहाँ पे बैठा हुआ, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको, और ये पिंजरे में बैठा हुआ है, देखिए ये आवाज़ कर रहा है, तो ये इसके मतलब इसका मतलब ये भूखा भूखा हो गया बहुत तेज़ी से। तो चलिए इसको खाना खिलाते हैं जल्दी से। तो ये यशी इस पिंजरे को लेके अंदर चल रही है, चलो यशी अंदर ले चलो, इसको खाना खिलाएंगे सीधा। देखो इसी आवाज़ कर रहा है ना खाना खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे एक चूचू चूचू करने में पड़ा है, इसको पता चल चुका है कि हम इसका खाना आने वाला है, इसीलिए देखो कितनी हरकत कर रहा है मिट्टू। तो गाइस ये बहुत भूखा हो चुका है, इसीलिए इतनी हरकत कर रहा है। अभी हम इसको खोलने वाले हैं और कैसे जल्दी हो जाएगा, खाना रेडी हो रहा है। तो गाइस हम खोलने जा रहे हैं अभी इसके पिंजरे को, देखना ये भागता हुआ आएगा मेरे पास।
इधर से निकलने का ट्राई कर रहा है गाइस, ऊपर चढ़ रहा है। इसके मुंह से पानी क्यों निकल रहा है? इसे जुकाम सा हो गया है थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आ जाओ। तो गाइस देखो आ चुका है ये, मुझे बहुत भूखा इसलिए मेरे को खाना भी बनाने नहीं दे रहा है, सीधे खाने के लिए दौड़ रहा है। मिठू इसका खाना हमने ले लिया है कटोरी में, उसको मिक्स करना है। तो गाइस देखिए कितना भूखा हो चुका है ये, तो इसका खाना रेडी हो चुका है। तो गाइस देखिए अभी से ये पाइप को चूस रहा है, आवाजें करे जा रहे हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना भूखा हो चुका है ये। तो गाइस अभी हमने इसको अंदर कर दिया है केज के। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।